हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। तो यहाँ पर एनिलीन का निर्माण किस तरह होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो एनिलीन जो है वो किसकी डेरिवेटिव होती है? नाइट्रोबेंजीन की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट है उसको देखेंगे हम, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। और यही जो विधि है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, इसी को हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। यही है हमारी प्रयोगशाला विधि। तो इसी को प्रयोगशाला विधि बोलेंगे, इसी को नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन SN प्लस HCl के द्वारा अपचयित होकर एनिलीन देता है। जो नाइट्रोबेंजीन SN है, तो SN यहाँ पर क्या है, स्टेनस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयित होकर हमें एनिलीन देता है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन और ये है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन और ये है एनिलीन। तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से हमें एनिलीन प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं एनिलीन बनाने की दूसरी विधि। तो दूसरी विधि क्या है, यहां पर फिनोल द्वारा। तो फिनोल क्या है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनोल को NH3 के साथ 330 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। तो जिंक क्लोराइड क्या है, यहां पर जिंक क्लोराइड है यहां पर कैटलिस्ट के रूम में और 330 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर लिया है। तो ये जो है कंपाउंड, इसका नाम है फिनोल, इसका नाम है फिनोल। तो फिनोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5OH। और फिनोल क्रिया हमने अमोनिया के साथ और प्रेजेंस किसकी है, जिंक क्लोराइड के साथ कराई 330 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें यहां पर एनिलीन प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है और यहां से वाटर निकल जाता है। अब हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन से जो एनिलीन निर्माण की तीसरी विधि है वो है क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C6H5Cl। तो यहां पर देखते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थित में उच्च दाब तथा 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो एनिलीन बनती है। तो यहां पर देखते हैं कि हमने लिया है ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल लिए हैं अमोनिया के, दो मॉलिक्यूल लिए हमने क्यूप्रस ऑक्साइड के और इसका हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी क्रिया जब कराई तो हमें यहां पर एनिलीन के दो मॉलिक्यूल मिले, जो ये है एनिलीन C6H5NH2। तो ये एनिलीन प्राप्त हुआ, एनिलीन के दो मॉलिक्यूल प्राप्त हुए और ये क्यूप्रिक क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ और बटर यहां से निकला। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, यहां पर जो स्मिट अभिक्रिया से। तो पॉइंट नंबर 4 है स्मिट अभिक्रिया। यहां पर देखेंगे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल तथा हाइड्राजोइक अम्ल को ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने वाले, ये है, ये दो बार हो गया थोड़ा, के साथ यहां पर
H2SO4 के साथ अभिक्रत करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। तो कर्नल ये है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH और हाइड्राजोइक अम्ल क्या है N3H, ये है हाइड्राजोइक एसिड, ये हाइड्राजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड की क्रिया जब हाइड्राजोइक के साथ करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहां पर अब आगे देखते हैं, तो यहां पर ये बेंजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से हमें एनिलीन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर फाइव है एनिलीन निर्माण की औद्योगिक विधि। तो यहां पर जो एनिलीन निर्माण की औद्योगिक विधि है उसमें देखते हैं औद्योगिक स्तर पर एनिलीन का निर्माण नाइट्रोव्यंजन के अपचयन द्वारा होता है या किया जाता है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है ये है नाइट्रोव्यंजन और नाइट्रोव्यंजन के अपचयन द्वारा, मतलब तो यहां पर 6H लिए और हमने आयरन और HCl की प्रेजेंस में क्रिया कराई तो हमें यहां पर एनिलीन प्राप्त हुआ C6H5NH2 और प्लस 2H2O। तो ये दोनों जो रिएक्शन है बेंजोइक एसिड हाइड्राजोइक अम्ल एनिलीन प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकली और नाइट्रोजन निकली, जो लास्ट वाला है जो औद्योगिक विधि वो नाइट्रोव्यंजन के अपचयन द्वारा कराई जाती है जिससे हमें जो है बहुत सारा जो है एनिलीन प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, तो एनिलीन का जो निर्माण है वो कई सारी विधियों द्वारा होता है यहां पर, तो जिनमें से हमने कुछ यहां पर एनिलीन निर्माण की कुछ विधियां हैं उनको हमने यहां पर शो किया है, उनको हमने यहां पर समझाया है। जिनमें से पहली जो विधि है नाइट्रोव्यंजन के अपचयन द्वारा, जिसको मैं एक बार बता चुका हूं, तो जो नाइट्रोव्यंजन के अपचयन द्वारा ये एक प्रयोगशाला विधि है। तो नाइट्रोव्यंजन की जो प्रयोगशाला विधि है उससे क्या बनता है एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक दूसरी जो है फिनोल द्वारा, तो यहां पर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनोल को अमोनिया के साथ 330 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। जैसा कि इस रिएक्शन में ये फिनोल है ये अमोनिया है और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 330 डिग्री सेल्सियस पर जब हम क्रिया करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है और वाटर यहां से निकलता है। लास्ट है वो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब, यहाँ पर ये है उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। तो जैसे कि आपने दिया क्लोरोबेंजीन अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड और हाई प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब क्रिया होती है तो यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होती है और क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ से निकलती है, वाटर भी निकलता है। और ये इसमें क्रिया है चौथा पॉइंट, तो बेंजोइक अम्ल तथा हाइड्रोजोइक अम्ल को ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है, जैसा कि C6H5COOH और N3H एरो C6H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो ये जो है एनिलीन निर्माण की विधियां हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।